एज यू कैन सी आज हमने पढ़ना है इंटरसेप्ट स्लोप्स के बारे में। अब आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रही थी, आपने क्या बताया कि ऑनलाइन एग्जाम्स के मुतालिक। जी सर, मतलब कुछ आइडिया दे दें कि कैसे होंगे पेपर्स, मतलब ऑनलाइन। वैसे तो जो ऑनलाइन एग्जाम्स है ना, जी स्टूडेंट्स की आसानी के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो जी जी उस पर बाकायदा मेरी एक वीडियो है, वो मैं आपको ना उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसको पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको जनरल चीज़ें कुछ बता देता हूँ कि जी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में होता यह है कि आपका जो पेपर है उसमें आपको डबल टाइम प्रोवाइड किया जाता है। तो जी या ऐसा करें, आप क्वेश्चंस लिख लें, इसके अलावा भी कुछ जहन में है, तो मैं सोच रहा हूँ सेशन के एंड में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब भी दे दूंगा, और साथ ही मुझे याद रह जाएगा आपको सेशन के एंड पर आपको मैं एक लिंक भी शेयर कर दूंगा, वो मेरी है 20-1 मिनट की वीडियो है, वो आप देख लेंगी ना, जी तो आपको एग्ज़ाम से मुतल्लिक, एग्ज़ाम शुरू कैसे करना है, पैक कैसे करना है, पेपर कैसे आएगा, और पेपर कितनी देर पहले आएगा, आपने कितनी देर में पेपर क्लोज़ करना है, फिर पेपर को सेंड कैसे करना है, रोल नंबर अपना कैसे लिखना है, ठीक है, और पेपर को सेव जी कैसे सर। करना है, किस फॉर्मेट में सेव करना है, कैसे भेजना है, तो वो उसमें डिटेल दिया हुआ है। फिर भी आप उसको जी ठीक सुनेंगे, है। फिर भी जो मसाइल होंगे कल आप मुझसे नेक्स्ट सेशन में दोबारा डिस्कस कर लीजिएगा, यानी वो आपको ना, वो पूरा एक लेक्चर है उस पर ना, तकरीबन 20-21 मिनट की मेरे ख्याल वीडियो है, तो उसमें आपको फुल इंस्ट्रक्शंस पेपर के मुतल्लिक मिलेंगे, ठीक है, ठीक है ठीक। मैं भेज दूंगा आपको अभी थोड़ी देर में। आप भी क्लास ले लें ज़रा, जी आज सर। की जो चीज़ें हम पढ़ लें, तो फिर मैं इंशाल्लाह चीज़ आपको शेयर कर देता हूँ। तो बिस्मिल्लाह ठीक करते है हैं, सर। आज हमने बात करनी है किस पर, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरसेप्ट्स के एक्सएम ऊपर, भाई ठीक इंटरसेप्ट। है जी। पहले हम बात करें कि इंटरसेप्ट्स क्या होती है, तो ये बताएं कि इंटरसेप्ट का लफ्ज़ सुना हुआ है पहले कभी। सर जो ग्राफ पे ड्रॉ होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एंड वाई से, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नहीं, हो करते तो हम ग्राफ के जरिए ही इसको डिस्क्राइब है, जी जी बट हमें ये देखना है कि इंटरसेप्ट होता क्या है, इंटरसेप्ट के मीनिंग क्या है, ठीक जी है। तो इंटरसेप्ट के लफ्ज़ ही मैंने होते हैं कि किसी ग्राफ का, किसी लाइन को इस तरह कट कट करना कि उस पर एक एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाए, एक एक्सेस की कि वैल्यू ही 0 हो जाए, जी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट लेना है तो उस पर वाई की वैल्यू 0 होगी, और अगर आपने वाई इंटरसेप्ट लेना है तो वो कैसे निकलेगा, तो आप एक्स कहेंगे एक्स की वैल्यू की 0, वैल्यू 0। ठीक है। तो हम एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ें डेफिनेशन क्या है जी। इन मैथ्स एन इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस थ्रू विच द स्लोप ऑफ द लाइन पासेस। इट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस। अब बात की याद रखनी है कि जब हम मैथमेटिक्स में बात कर रहे होते हैं, इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट दरअसल एक पॉइंट का नाम है। इंटरसेप्ट क्या है दरअसल, पॉइंट का नाम है। अब जब हम बात कर देंगे ना कि इंटरसेप्ट से मुराद एक पॉइंट है, तो पॉइंट आपने कैसे जाहिर जी किए, पॉइंट तो ऐसे होते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। जब हम बात करेंगे ना किसी पॉइंट की, ये फर्ज कर लें जी पॉइंट का नाम टी है, तो इंटरसेप्ट दरअसल क्या है, एक पॉइंट है, कहाँ हो सकता जी है, ठीक है, ऑन दी जी वाई सर। एक्सिस, ठीक है। वैसे ये एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे हो सकता है, अगर ये वाई एक्सिस पर है, थ्रू विच द स्लोप ऑफ द लाइन पासिस, कि इसमें से जो भी तिरछी लाइन होगी, स्लोप वाली लाइन होगी, वो इसमें से पास करेगा, ठीक है। इट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द स्ट्रेट लाइन और अ कर्व इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस, कि अगर आप वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब ज़रा हम देख लेते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलते हैं, ज़रा देखें यहाँ डायग्राम में।
यानी जो एक्स की इंटरसेप्ट की डेफिनेशन थी वही अब वाई के लिए अप्लाई कर देंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें एक्स इंटरसेप्ट लेना है, तो इसका मतलब आपने ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है, कहाँ मिल रहा है। आप देखें एक्स एक्सिस का ये जो पॉइंट है इसका नाम है टू, वन ये टू, टू तो टू पर ये काट रहा है, तो यहाँ टू आ जाएगा और इसमें वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी चीज़ का एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वहाँ वाई को जीरो पुट करते हैं, और अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो फिर क्या करना तो पड़ेगा आपको, एक्स को 0 पुट एक्स को करेंगे। जीरो लेंगे, बाकी जो आंसर आएगा वो आपका वाई इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, अगर हमें फर्ज कर लें प्रैक्टिस करनी है, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं फॉलो अप एक्सरसाइज का, क्योंकि जो फॉलो अप एक्सरसाइज में जो पहला पोर्शन है सारा उसमें यही कर रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर वन अगर आप देखें इस पेज पर तो क्या दिया हुआ है, इट इज 3x-4y और फिर क्या है जी, इक्वल टू 24। पेज नंबर 51 पर है, ठीक है, पेज 51 पर जो सेक्शन है, सेक्शन का नाम है 2.2 और ये फॉलो अप एक्सरसाइज है। तो इसका पहला पार्ट है, इसमें यही बात की जा रही है क्या, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, दो ही चीज़ें ढूंढनी है आपने, एक्स इंटरसेप्ट भी ढूंढना है वाई इंटरसेप्ट भी। तो मैंने अभी क्या बताया कि अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट ढूंढना हो यहाँ, तो यहाँ लिख दें एक्स वाई को इंटरसेप्ट, जीरो जी क्या करना पड़ेगा फिर हमें, पुट करेंगे। गुड, वेरी सिंपल। तो आपने कुछ भी ठीक नहीं करना, जस्ट यहाँ वाई को इक्वल टू जीरो पुट कर दें। देखिए अगर मैं वाई को जीरो पुट करूँ क्या आएगा आंसर, थ्री जीरो एक्स 3x-0 इज इक्वल टू 24, 24 थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 डिवाइड बाई थ्री, 3g 24/3 8। एक्स इज इक्वल टू 8। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, 8 0, तो ये इसका एक्स इंटरसेप्ट निकल जी। क्लियर है, ये मुश्किल है। जी सर, क्लियर। अच्छा अगर आप इसी का वाई इंटरसेप्ट निकालें, दूसरा क्या है वाई इंटरसेप्ट, इसी पे जी अगर आपने वाई इंटरसेप्ट लेना हो तो फिर क्या सीन है बताएं जरा, शाबाश, एक्स को 0 पुट कर गुड गुड, लेंगे। एक्स इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ये थी 3x+3x इट वाज -4y इज इक्वल टू 24। अब आप जब एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, यू विल राइट -4y इज इक्वल टू 24। 4-4y = 24 तो दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू विल गेट 24 डिवाइडेड डिवाइड बाय -4, यानी y माइनस का फोर आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस 8। एट तो आपका y इंटरसेप्ट माइनस बनेगा एट क्या, आप कहेंगे जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, जी 0-6, 0-6 जीरो माइनस माइनस सिक्स। सिक्स हाँ जी, कुछ मुश्किल है तो मुझे बताएं। तो नहीं सही। इस तरह से हम x और y इंटरसेप्ट ढूंढते हैं। ठीक है, अब लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई और, आप इसमें देखें 1 से 19 तक कोई भी और पार्ट देखें, मुश्किल लग रहा है तो हम उसको कर लें, एक 14 बल्कि और एक 19। चलेंगे 14 देखें क्या है। x-2y ठीक / 3 है, -12 = 2x+4y/3। इज इक्वल टू 2x, +4y डिवाइडेड बाय 3। दिस इज अगेन डिवाइड बाय 3। तो नाउ अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक आपने एक्स इंटरसेप्ट ढूंढना है और दूसरा वाई। तो दो किस्म के इंटरसेप्ट आपने इसमें लेने हैं और दोनों इंटरसेप्ट को हम बारी बारी टेकअप करते हैं, देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसे आएगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल जी, क्या मैथड बताया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स लेट करें
x को इक्वल टू जीरो, ठीक है, x जीरो कहाँ पर होता है, टू गेट y इंटरसेप्ट. अगर आपने y इंटरसेप्ट किया तो x को जीरो पुट करना जी. अगर आप x को जीरो पुट करेंगे, देखिए ये जीरो हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2y डिवाइड बाय 3 जी. यहाँ भी x जीरो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 4y डिवाइड बाय 3 4y डिवाइड बाय 3 ठीक है. तो आप इन्हें दूसरी तरफ ले जाएं जी, तो 2y ओवर 3 माइनस 4y ओवर 3 इज इक्वल टू 12. तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 6y ओवर 3 इज इक्वल टू 12. ओके, 3 1 3 3 2 6, तो बेसिकली 2y इज इक्वल टू 6 12. तो यहां से y की वैल्यू क्या आती है, यू विल राइट 12 ओवर 2 ये माइनस मैंने जो लिख दिया डिवाइड कर दिया जी सर, इज इक्वल टू 6. तो बड़ा ही सिंपल सा है कि आपके पास इंटरसेप्ट का मान है जी सर, वो आएगा 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 ठीक हो गया जी सर. और अगर आपने लेना है यहाँ पर क्या, वाई वाई इंटरसेप्ट, अगर वाई इंटरसेप्ट हो फिर क्या होगा, वाई एक्स एक्स इक्वल वाई इंटरसेप्ट के लिए आपको जी. ये था ना वाई इंटरसेप्ट, अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट लेना हो तो फिर आप वाई को इक्वल टू जीरो पुट कर दो. अगर वाई को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ओवर थ्री माइनस 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x ओवर 3, क्योंकि y को हमने 0 पुट कर दिया. x इंटरसेप्ट की जब लेना होगा तो फिर आपको y को इक्वल टू 0 पुट, y को 0 लेना है. तो इन्हें ले जाएं इधर, x ओवर 3 x ओवर 3 माइनस 2x ओवर 3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा सर, 12 सर, माइनस 12 ये 12 माइनस था ना, ये भी जाके प्लस हो गया, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनके माइनस के ऊपर ले गए, ये 36 आ गया, x पे आ गया माइनस 36 एंड 0. तो ये हमारा कौन सा इंटरसेप्ट होगा, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट है पहले वाला हमारा, y इंटरसेप्ट है यहाँ, y इंटरसेप्ट था पहले, अब x इंटरसेप्ट निकालो. और आपने क्वेश्चन कौन सा बताया, सर 19 19 क्या दिया हुआ, माइनस आर वाई इज इक्वल टू एस, एस है जी, ठीक है. तो इसमें आपके पास एक्स वाली टर्म है ही नहीं, ठीक है, एक्स है ही नहीं, तो जब एक्स है ही नहीं तो इस पे जस्ट आएगा ही वाई इंटरसेप्ट, ठीक, एक्स जीरो हो गया ना पहले ही, एक्स एक्स को आपने पहले जीरो लिया है, तो y इंटरसेप्ट इसमें क्या होगा, आप कहेंगे y इज इक्वल टू माइनस s ओवर r, ठीक. तो इसी तरह आपने जो इनके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनको जो ठीक है, ठीक है, तो इंटरसेप्ट जो है वो आप आसानी से इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है. तो x इंटरसेप्ट लेना हो तो y को 0 पुट करना है, तो y को 0 पुट करते हैं, और y लेना हो तो x को 0, x को 0 लेना है, ठीक है, सिंपल है, मुश्किल है जी, जी सर, सिंपल है. नेक्स्ट आगे आता है स्लोप, ये क्या होता है स्लोप, ठीक, सर किस साइड पे, इसी के नीचे आगे स्क्रीन नहीं है आप पास वाली सामने जी सर, मैं बुक देख रही थी क्वेश्चन, बुक तो भी देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाएगा वो अक्सर स्लोप से मुतल्लिक होगा जी. जी स्लोप क्या होता है सर, द स्लोप इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y इफ x इंक्रीज बाय 1 यूनिट, ठीक है. इसमें होता ये है कि बुनियादी तौर पर चेंज इन x डिवाइड बाय चेंज इन y, इस तरह से बोलते हैं जी, ठीक है. तो अमूमन घर के बाहर अगर किसी ने कुछ ऐसा बनाया हुआ हो, रैंप सा बनाया हुआ हो, रैंप देखे ना आप, किस तरह करके रैंप बनाते हैं टेढ़े करके ना,
ठीक है, ये घर का कुछ हिस्सा होता है बाहर, मोटरसाइकिल चढ़ाने के लिए, गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए सब रैंप्स बनाए रहते हैं। तो जी अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पर ये रैंप जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा होता है, इसका कुछ फासला ये जो होता है ये एक्स एक्सिस से मुतलिक होता है, इसे आप चेंज इन एक्स कहते हैं। कुछ फासला ये वाई एक्सिस से मुतलिक होता है, इसे आप चेंज इन वाई कहते हैं। जी सर तो स्लोप में हम करते क्या हैं, दरअसल चेंज इन वाई को चेंज इन एक्स से डिवाइड करते हैं, तो आपको जो चीज़ मिलती है उसे स्लोप कहते हैं। जी ठीक है, चेंज इन वाई को चेंज इन एक्स से डिवाइड करते हैं तो आपको स्लोप। चेंज इन वाई तो क्या होता है इन मैथमेटिक्स, स्लोप और ग्रेडियंट, इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेडियंट ग्रेडियंट, इसको स्लोप भी कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं दूसरा नाम। जी कहते हैं मैथमेटिक्स मैथ्स में क्या होता है द स्लोप और ग्रेडियंट, कि या तो हम स्लोप ले रहे होंगे या इसका दूसरा नाम कभी कभी यूज होगा और वो क्या नाम है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज अ नंबर। अभी अब जब भी हम ग्रेडियंट लेंगे किसी भी लाइन का लेंगे, इससे आपको एक नंबर हासिल होगा जो क्या करेगा, दैट डिस्क्राइब बोथ डायरेक्शन एंड स्टीपनेस ऑफ द लाइन। ये आपको दो बातें बताना होगा, एक तो ये बताएगा कि डायरेक्शन क्या है, ये लाइन किस तरफ जा रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। ठीक है, स्लोप की टाइप्स होती है, आगे हम पढ़ेंगे। एंड स्टीपनेस, और ये बता रही होती है कि लाइन के सब तक इसमें स्टीपनेस है। अब पता है स्लोप इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग रेशियो ऑफ द वर्टिकल चेंज, वर्टिकल चेंज मैंने क्या बताया था ऊपर, ये डेल्टा वाई। वर्टिकल चेंज क्या होता है, डेल्टा वाई टू द हॉरिजॉन्टल चेंज। जो हॉरिजॉन्टल चेंज होता है उसको कैसे लिखा है मैंने, डेल्टा एक्स बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जब भी आपको कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए तो याद क्या रखना है, जब भी कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए वर्टिकल चेंज को हॉरिजॉन्टल चेंज से अगर आप डिवाइड कर देंगे, आप रेशियो ले लेंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप। क्या हासिल होगा, स्लोप। क्या मिलेगा, स्लोप। स्लोप हासिल होगा। स्लोप मुश्किल तो नहीं लग रहा जी। अब स्लोप के टाइप्स होते हैं, पहला क्या है जी, अप हिल, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये बढ़ता हुआ, इसी इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। पहला है अप हिल, ठीक है, ऊपर की तरफ। हिल किसे कहते हैं, हिल ऊंचाई को, जी ऊंचाई की तरफ हिल कहते हैं, चोटी को। तो जब आप चोटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो स्लोप को पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। और इसका उलट क्या होगा, डाउन हिल। डाउन डाउन हिल यानी इसमें नीचे की जाने वाले हैं, ये स्लोप नेगेटिव होगा। जी यानी अगर स्लोप की वैल्यू आई पॉजिटिव तो वो अपहिल, ठीक है। दूसरा स्लोप कौन सा है, नेगेटिव। दूसरा स्लोप कौन सा है, डाउन। नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब बढ़ रहा है, नेगेटिव का मतलब कम हो रहा है। अच्छा तीसरा होता है पैरेलल टू दी सम लाइन, यानी ये फर्ज कर लें आपके पास यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना स्लोप इस लाइन जी वाई, उसकी निशानी ये होगी उसका स्लोप जीरो निकलेगा। स्लोप क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। स्लोप कितना निकलेगा, जीरो, जब लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। और आखिरी क्या है, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या है, वर्टिकल का मतलब ये होता है कि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है ना और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो लाइन आपके पास है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप होगा वो अनडिफाइंड होगा। अब स्लोप को जाहिर करते हैं हम किससे, एम से। स्लोप को किससे जाहिर करते हैं, एम से। स्लोप को एम से जाहिर करेंगे, एम से। तो स्लोप कितनी तरह के होंगे, स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है और हॉरिजॉन्टल। स्लोप जीरो हो सकता है और स्लोप अनडिफाइंड हो सकता है। ठीक है, एक बात और बता दूं कि स्लोप का एक तरीका और होता है
इसे आप टेंजेंट थीटा से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट थीटा जो है ये बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, क्या परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड कर देना इस तरह। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो ये साइड इसकी परपेंडिकुलर और ये इसकी बेस, तो परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड करने पर भी आपको स्लोप ही हासिल होता है। ठीक, तो ये मुख्तलिफ तरीके थे स्लोप को हासिल करने के। ठीक है जी सर। नो, अब आगे देखते हैं कि ये इनकी हमें जरूरत कहाँ पड़ती है और कैसे ड्रॉ करते हैं। जी, इसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा किस तरफ, रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। हाँ जी, सेक्शन कौन सा है आगे आपका? 2.2 सेक्शन है 2.2 फॉलो अप एक्सरसाइज के साथ। लेट अस बिगिन, हम इसको शुरू करते हैं। सर 38 से करना जी, 38 क्वेश्चन सर। नो, ये 21 से स्टार्ट होगा। यस सर। ठीक है, अब इसमें 21 में देखें क्या कहा जा रहा है। कहता है ग्राफ द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, क्या कहता है? ग्राफ द लीनियर इक्वेशन। पहले हम इनके ग्राफ्स को टेक अप करेंगे। तो लेट अस सपोज के ये मैंने ग्राफ जो है वो ले लिया, ग्राफ ऊपर का पैटर्न ले लिया ना, तो आप चले आपको जरा ड्रॉ करना है, इसमें जरा समझना आसान होगा। सर अभी वही पहले वाली स्क्रीन आ रही है। अच्छा, स्क्रीन नहीं शेयर कर सकता, थैंक यू, आपने बता दिया, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग के स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके, I will share the new screen now. हाँ जी, आगे स्क्रीन नहीं सर, नहीं अभी नहीं आई। चलो मैं जरा दोबारा से इसको ऑन कर लेता हूँ। जी, अब देखिए हाई स्क्रीन अपीयर होगी आपका। जी सर, सेक्शन 2.2। ओके, अब इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 21 को, तो इफ आई कैन शेयर दिस वन, जी क्वेश्चन नंबर है 21। अब इसमें क्या कहता है? कहता है ग्राफ द गिवन इक्वेशंस। जी, ग्राफ द, तो जो आपको इक्वेशंस दी गई हैं इनको आप ग्राफ करें। ग्राफ करने से मतलब ये कि इनका ग्राफ बनाएं। जी राइट, जी सर। अब जो इक्वेशन है वो क्या दी गई है आपको? लेट अस सी, दिस 2x माइनस 3y माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू माइनस 12। तो
अलाइनमेंट क्या होगी? फर्स्ट आपने क्या लेना होता है? एक्स इंटरसेप्ट. तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे और वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या लेंगे? अगर मैं एक्स को जीरो पुट करूं फर्स्ट कर लें तो वाई इंटरसेप्ट निकलेगा, आपको ये मिलेगा 3y = 12. y इज इक्वल टू आ जाएगा 12 / 3. 12 / 3 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा. ठीक हो गया. अच्छा ये आपके पास x को जीरो पुट किया तो आपको y इंटरसेप्ट. ठीक है. y = 0. और अगर आप y को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आपको x इंटरसेप्ट मिलेगा. तो y इक्वल टू जीरो लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x. तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -12. x इक्वल टू आ जाएगा जी -6. तो यहाँ आपके पास पॉइंट आ गया 0 - 4, यहाँ पॉइंट आ गया -6 0. जी मेरी बात को फॉलो किया? ये मुश्किल है. जी सर. नहीं सर. जी अब आप इसको ग्राफ को ड्रॉ करना चाहेंगे. तो 0 - 4 और 6 0. 0 - 4 और -6 0. ठीक है जी. तो हम पिकअप करते हैं अभी. ये फर्स्ट कर लें आप. तो 0 - 4 और -6 0. इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव रीजन हो जा रहा है. तो ये फर्स्ट कर लें आपके पास. अभी ड्रॉ नहीं हुआ ग्राफ, अब हुआ. ठीक है. लेट अस सपोज ये आपके पास एक्सिस है और यहाँ से हम पिक कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा जी. तो 0 - 4 0 y - 4 1 2 3 4. दूसरा कितना जी? -6 0. 1 2 3. सर ये तो 4 इधर लिखेंगे 0 - 4, लेकिन यहाँ तो खाली 4 है ना. -4 आ रहा है y एक्सिस पे. जी जी y एक्सिस पे आ रहा है. तो ये इंटरसेप्ट आ गया ना. जी. और ये क्या है? -6 0. अब आपने ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट को इस पॉइंट से. ठीक है. तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. सर 0 की मुझे समझ नहीं आई. 0 मिड में, इस वजह से हमने इसको ड्रॉ नहीं किया. कौन सा 0? सर 0 मिड में है, इसलिए हम लोगों ने उसको माइनस एक्स के साथ ही लिख दिया 0, क्योंकि वो उसी लाइन में आ रहा है. कौन सा? नहीं नहीं, ये आपके पास x और y इंटरसेप्ट माइनस. ठीक है ना. x इंटरसेप्ट क्या था? 0 - 4. ये है 0 - 4. असल में 0 यहां 0 0 होता है ना ओरिजिन पे. ये एक्सिस है. जी ये एक्सिस है, ये y एक्सिस है. तो 0 से इस तरफ क्या होता है? 1 2 3. ठीक है. 4 इस तरफ क्या होगा? -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. इधर क्या होगा? नीचे -1 - 2 - 3 -4 2 3 4. इस तरह से हम ड्रॉ ड्रॉ कर देंगे. ठीक है. तो आपने पहले स्टेप में क्या करना है? एक्स इंटरसेप्ट निकालना जी और वाई इंटरसेप्ट. दूसरे में वाई इंटरसेप्ट. तो पहला स्टेप हमारा क्या है? ठीक है. यहाँ पर जरा गौर से देखें. हमने पहला क्या किया? वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया है. ये देखें. फिर हमने क्या किया? एक्स इंटरसेप्ट लिया है. जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं हम उनको ड्रॉ करके इन दोनों लाइंस को जॉइन कर देते हैं. तो इस तरह से हमें क्या मिलता है? स्लोप. इस तरह से क्या मिला हमें? एक ग्राफ हासिल होता है. तो इस तरह से हम इक्वेशंस को ग्राफ की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है सर. जी मुश्किल तो नहीं है? जी सर नहीं, इजी है. इजी है. ठीक है. जरा नेक्स्ट देखें. दूसरा हो जाएगा 22वां.
जी सर, 23 वो भी हो जाएगा 24 तो सारे सेम ही है, लास्ट से देखें और से 30 31 और 32 में एक दिए हुए हैं, 31 मतलब सही हो एक्स जाएगा, दिया हुआ एक ठीक है 31 जी। देखते हैं, 31 क्या दिया हुआ जिसमें, -4x इज इक्वल टू 24 31 में है -4x इज इक्वल टू 24। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 24 है ना, तो -4 पे डिवाइड करें, x इज इक्वल जी, टू क्या आ जाएगा, यू विल गेट -6। -6 ठीक है, उसने कहा x इज इक्वल टू -6, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x इज इक्वल टू -6 ही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। अब जी लेट अस सपोज कि ये हम एक्सिस के ऊपर कर लेते हैं, ये फर्श कर लें हमारा कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ठीक है। अब हम क्या ले लेते हैं, वाई एक्सिस के वाई लिए भी, एक्सिस ठीक है। ये कहीं से भी रख के हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने स्पेसिफिक एक ही पॉइंट लेना है। देखें जरा, ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया आपने, अब इनका हम नाम रख जी लेते हैं। आप कहेंगे ये आपके पास एक्स एक्सिस है, हॉरिजेंटल एक्सिस, और ये आपके पास वाई एक्सिस है। वर्टिकल जी, अब आपको किस तरफ लेना है, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स नेगेटिव लेना है, लेफ्ट हैंड ये ओरिजिन हो गया। जी यहाँ से ये पॉइंट आ गया जी -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है जी जी। मुश्किल तो लग रहा, बिल्कुल अच्छा ओके। अब आप जब ये ले चुके हैं, अब आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट है आपका देखिए क्या है, -6। -6 का मतलब यहाँ, ये -6। अब अगर फर्ज कर लें वाई की वैल्यू ज़ीरो लेते हैं, तो ये वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी, ये -6। अच्छा अगर आप वाई की वैल्यू 1 लें तब भी -6 होगी, 2 लें तब भी -6, 3 लें तब भी -6। अच्छा ऐसे करते हैं -1 ले लेते हैं तब भी ये -6, जी -2 ले लें तब भी ये -6, -3 लें तब भी ये -6। तो याद रखें एक्स की वैल्यू -6 ही रहेगी, एक्स वाई की जो मर्जी वैल्यू रखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी यहाँ अगर मैं एक पूरा चार्ट लेके ड्रॉ करूँ और ये बताना चाहूँ, ठीक है, कि मेरे पास वैल्यूज कैसी हैं, तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर दो किस्म की वैल्यूज हैं, कुछ एक्स की हैं कुछ वाई की वैल्यूज हैं। एक्स की वैल्यू आप -6 ही लेंगे, एक्स की वैल्यू -6 ही, वाई की वैल्यू जो मर्जी रखते जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 रखे हैं वैल्यू तब भी ये, आप फर्स्ट पहले 1 रख लें तब भी ये, आप 0 रख लें तब भी ये, आप -2 रख लें तब भी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो मर्जी वैल्यू रखते चले जा रहे हैं, ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि जो आपके पास -6 ही आ रहा एक्स की वैल्यू है उसे हम आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बात। जी सर अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा होगा, देखिए वेरी सिंपल, इन सब पॉइंट्स को मिला दें, सब पॉइंट्स को मिला दें, लेकिन ये वाला आखिरी पॉइंट है ना हमारा, स्ट्रेट तो मिला दें जी। कुछ समझ आई आपको, जी सर, सर ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी क्योंकि पॉइंट्स हाँ जो जी, भी ये ले लें स्ट्रेट वाई लाइन के बनी, मैंने वो सिर्फ एक्स पॉइंट्स के को इक्वल मिला दिया होंगे जी। तो स्ट्रेट लाइन बनी। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये किसके पैरेलल है, ये वाई के वर्टिकल हम कहेंगे ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ठीक लाइन है, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है, ठीक है, कैसी है, पैरेलल है टू वाई एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल। मुश्किल तो नहीं लग रहा, नहीं सर ये ग्राफ ऐसा है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा इसी तरह अगर आप 32वां क्वेश्चन देखें, अब 32वां हो जाएगा, 32वां एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा जी जी। बताएं इसमें मुझे लग रहा है वाई मुश्किल की तो मत करा लो, नहीं सर, ये लास्ट 30
36 में से कोई एक बता दे. 35 वाला जनरल दिया है ना आपको, जी ठीक है ना. इसमें तो उसने कहा है क्वेश्चन जो मर्जी पॉजिटिव वैल्यू, इसका तो ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं आपको, जनरल वैल्यू है ना. 35 को उसने कर दिया जनरलाइज. क्या है ये लिखा है कि माइनस एन एक्स इज इक्वल टू टी. कहता है यहाँ पर आपने एन की जो भी वैल्यू लेनी है पॉजिटिव लेनी है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब, और टी की जो भी वैल्यू लेनी है ग्रेटर देन जीरो लेनी है, ये आपकी मर्जी है जो मर्जी वैल्यू लेनी है. तो इसका मतलब इसको जो हम सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू आ जाएगा टी ओवर एन, ठीक है ना. ये नेगेटिव भी होकर चला जाएगा. तो अब आपके पास चॉइस है कि आप जो मर्जी x की वैल्यू रखते हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टी और एन की कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ और फिर उनकी मदद से मैं ग्राफ को ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है. अब ये यहाँ देखिए जरा, लेट अस सपोज कि मैं यहाँ कुछ वैल्यूज देता हूँ, और ये आप वैल्यूज को ऑब्जर्व करेंगे ये वैल्यूज कैसी आ रही है. हाँ जी, तो बताएं आप जी पहले वैल्यू हम क्या रखें. लेट अस सपोज कि टी की कुछ भी वैल्यू सोच लें, या हमने टी की वैल्यू रख ली कुछ है, एम की वैल्यू रख लें हमारे ऊपर टी की वैल्यू रखना है नीचे एम की, ठीक है. अगर मैं टी की वैल्यू 6 रखूँ और एम की वैल्यू 1 रखूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय 1 यू विल गेट -6. अगर आप सर हमें पॉजिटिव पर, चाहिए था, ठीक है, आप एन की वैल्यू कुछ और रखें, ठीक है. लेट अस सपोज के यहाँ पर जो नेक्स्ट वैल्यू है, यानी जो भी वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगी. अगर फर्स्ट के लिए मैं टी की वैल्यू डबल कर देता हूँ और एन की वैल्यू को भी डबल कर दूँ, ठीक है, तो उससे हमारे पास कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू आएगी. अगर हम यहाँ 12 रखते हैं 12 बाई 2 तब भी -6 आएगा. अगर हम यहाँ 18 डिवाइड बाई 3 करते हैं तब भी -6 आएगा. अगर आप 24 डिवाइड बाई 4 करते हैं तब भी, तो देखिए मैं वैल्यूज मुसलसल चेंज करता जा रहा हूँ लेकिन मुसलसल चेंज करने पर आपके पास रिजल्ट -6 ही आएगा. लेट अस सपोज यहाँ 12 रखते हैं 2 पे डिवाइड करें तब भी -6. अगली वैल्यू क्या रखें हमने 18 और 3 ये भी -6. तो वैल्यू फिक्स आ रही है. इसका मतलब ये ग्राफ किसका बनेगा, x इज इक्वल टू -6 का ग्राफ बनेगा. और अगर आप याद करें थोड़ी देर पहले हमने यही ग्राफ बनाया था, अगर आप ऊपर देखें क्या यही ग्राफ बनाया पहले हमने, जी सर ये भी थोड़ी देर पहले एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया था ना, तो यही तो था थोड़ा सा ऊपर चले गए. ये देखें जरा ऊपर x = -6 का ग्राफ है काफी है ये ऊपर जी -6 का है, ठीक है. तो देखें वही पॉइंट जी सर, आप दोबारा जी सर, ठीक है, हो जाएंगे जी सर. इनको फर्दर ट्राई कीजिएगा, आई विल बी देयर इंशाल्लाह टू गाइड यू. ठीक है, अगर आपको लगे कि इसमें कोई फर्दर गाइडेंस की जरूरत है तो इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, उसको हम लेके चलेंगे. ठीक है, अगली चीज क्या आती है जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो 38 से स्टार्ट हो रहे हैं. इसमें कहते हैं कंप्यूट द स्लोप ऑफ द लाइन सेक्शन कनेक्टिंग द टू पॉइंट्स, इंटरसेप्ट मीनिंग ऑफ द स्लोप इन ईच केस. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लाइंस क्या हैं, नंबर है 38 एंड -2 -8 ठीक है. तो यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं, एक तो
आपने क्या लेना है, स्लोप लेना है जी. ठीक है. थोड़ा सा हम इसको ड्रॉ करके भी चेक कर लेंगे, ठीक है. और ये भी देखेंगे कि इंटरसेप्ट्स के लिहाज से हमें स्लोप कैसे मिलते हैं. ठीक है, तो दरअसल ये टू पॉइंट फॉर्मेट है, टू पॉइंट जिसमें आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं और ये कहा गया है आप एक्सिस को डिफाइन करें. तो कहते हैं लेट अस सपोज कि हम यहाँ एक्सिस टेकअप कर लेते हैं. आपको चूँकि दो एक्सिस चाहिए, एक एक्स एक्सिस चाहिए, एक वाई एक्सिस, तो हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो जरा देखिए मैं इस ग्राफ को थोड़ा बढ़ाता हूँ, ये एक्सिस को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस तरह की. अब आपको चाहिए 2 8 ग्राफ बड़ा है. 2 8 ठीक है, मैं ग्राफ की गड्डी थोड़ी सी बदल दूँगा तो मैं यहाँ रख रहा हूँ. ओके, अब मैं थोड़ा स्केल भी बदल लेता हूँ, राइट. जरा देखिए मैं स्केल क्या है. अब हमें चेक लेना 2 8 तो मैं यहाँ स्केल ही 2 कर लेता हूँ. ठीक है, अब मैं स्केल कितने का रख लेता हूँ, 2 का. ओके जी, अब देखते हैं कि इसे फर्ज कर लें यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, और इसी तरह -2 यहाँ -2, इधर से -8 चाहिए, 2 4 6 8 2 4 6 8, दिस वन इज -8. अब पॉइंट कैसे लेंगे, अब कहते हैं एक पॉइंट है 2 8. 2 8 का मतलब x यहाँ पर 2 लेना है, x 2 है और 8, इनको मिलाएंगे तो ये ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट बनेगा, ये है 2 8. और दूसरा पॉइंट कितना है, -2 -8, ये -2 है, ये -8, इनको जॉइन कर देंगे ये पॉइंट बनेगा. अच्छा जॉइन हुआ हुआ, अच्छा डॉट्स लगाए यहाँ पे, ये आ गया -2 8. जी ये क्या था, 2 8. अब आपने इनको ज्वाइन कर देना ताकि हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. तो इस पॉइंट से स्टार्ट कर दें, ठीक है, इस पॉइंट में से जुड़वा दें, ये पॉइंट है यहाँ तक ले गए हैं, जैसे कि आपने देखा. सो ग्राफ का हो गया, ठीक है. अब आपने लेना है स्लोप, लेना है स्लोप को हम कहते हैं डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स. बाज लोग इसे भी लिखते हैं वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन. अब ये जो पॉइंट है ये आपका एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, वाई टू. तो अगर मैं यहाँ से स्लोप निकालूँ तो क्या आएगा, वाई टू कितना है, वाई टू है ए माइनस एट माइनस एट, ये एट है और डिवाइडेड बाय माइनस टू माइनस टू, तो ये आ जाएगा -16 डिवाइडेड माइनस माइनस 16 जी. ठीक है, तो क्या रिजल्ट आता है आपके पास, 6 4, तो ये आपका स्लोप होगा. अब ये मुझे बताएं स्लोप क्या है, किस तरह है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कोई चीज है जो यहाँ बढ़ रही है. ठीक है, किस चीज का स्लोप पॉजिटिव है तो उसका मतलब उसमें इजाफा आप हेल्थ. ठीक है, इकोनॉमिक्स में जब हम इससे मुराद लेंगे ना, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, तब्दीली. तब्दीली क्या आ रही है, जो पॉजिटिव आ रही है,
पॉजिटिव का मतलब चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप है, क्लियर है बात? कौन सा है पॉजिटिव स्लोप? अच्छा, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से इस लाइन की इक्वेशन भी बता सकते हैं, देखिए लाइन है ना, लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? तो हम लोग होता है y माइनस y1 इनटू m x माइनस x1, m कहते हैं स्लोप को। अब y माइनस y1 कितना था? स्लोप अभी कितना निकला है? 4। x माइनस x1 कितना है? 2। x1 2 से ये स्लोप को m कहेंगे। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? y माइनस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। तो अगर आप इसे उधर ले जाएं तो y माइनस 4x is equal to minus 8 plus 8. तो y minus 4x is equal to 0. ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी लाइन की। ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी? लाइन की इक्वेशन। लाइन। ठीक है। तो इसमें से अगर आप चाहें तो इस लाइन में से आप x इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं, y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है? मैं वो जो ग्राफ है उसको दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। उसमें ना छोटा सा ये हुआ कि ग्राफ डिस्प्ले हो गया, मिलेगा वो, देखिए लाइन की निकाल, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट जरा निकालें, देखें क्या आएगा। इसका एक्स इंटरसेप्ट जब निकालेंगे, यू विल से वाई को इक्वल टू जीरो पुट करें, यू विल गेट माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसका मतलब जब आपने वाई इंटरसेप्ट निकालना है जी, तो ये तो एक्स को, अगर आप एक्स इंटरसेप्ट इसका निकालें तो उसके लिए आपने y को जीरो, हमने y को जीरो लिया ना, तो x इंटरसेप्ट निकाला। अगर हम y इंटरसेप्ट लेते हैं तो y इंटरसेप्ट के लिए आपको x को इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। तो जब हम इसमें x को जीरो रखेंगे, y माइनस फोर एक्स, फोर इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये भी जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये ग्राफ कैसे लगेगा, क्या क्या इसकी लुक होगी, जरा गौर से देखो। ये आपकी कौन सी लाइन थी? हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पहले वाली लाइन थी, दिस वाज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है सर। और अब आपने कौन सी लाइन लेनी है? वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल लाइन। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या थी यहाँ पे? वर्टिकल लाइन कैसे लेनी है? मैंने दूसरी बात आपको ये बताई थी कि यहाँ पर हम ये टिकट कर रहे हैं, इसको आपने रखा था 2, 4, 6, 8 ऐसे कह दी, इसको -2, -4, -6, -8 यानी, और यहाँ था -2, यहाँ था +2। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आया था? 2, 8, ये वाला पॉइंट आया था, और दूसरा आया था -2, 8, ये वाला पॉइंट आया था, याद है ये बात? अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो आप देखें ग्राफ कैसे होगा। मैं ये कलर चेंज कर देता हूँ, हैव अ लुक, इसको देखें कि ग्राफ कैसा होगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखने जरा, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इस तरफ आएगा यहाँ तक। ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि ये गुजर कहाँ से आ रहा है, कैसे ये कहाँ से पास होके आ रहा है? ये उसे मिड पॉइंट, ये यहाँ से पास होके आ रहा है, तो ये 0, 0 है रीजन। तो ये देखें जरा, हमारा एक्स वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, और से देखेंगे
जीरो जीरो है एक्स और वाई इंटरसेप्ट। जी ये देखा आपने कि जब हमें दो पॉइंट दिए गए हों तो उन पॉइंट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप से हम लाइन निकाल सकते हैं, लाइन से हम इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। और जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो वाकई हमें ग्राफ भी ऐसा ही मिला, ग्राफ भी हमने चेक किया ऐसा ही है। चलो देखें 39 क्वेश्चन, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, एक आध क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, इन केस ऑफ 39। हाँ जी, ये भी 39 बोले हुए रखे हैं, माइनस थ्री टेन एंड टू माइनस और टू माइनस फाइव एंड क्या है जी, टू माइनस फाइव। टू हाँ माइनस जी, मैंने क्या बताया था आपको, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका एक्स वन है, एक्स वन ये है, वाई वन है, दूसरा वाई वन, ये एक्स एक्स टू टू, है और ये वाई टू, वाई थ्री है। वाई टू ओके, जी। अब हम ऐसा करते हैं कि इस लाइन को ड्रॉ भी कर लेते हैं, फिर हम उस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, फिर उसके इंटरसेप्ट निकालते हैं, फिर हम वो चेक करेंगे कि क्या वो वाकई वो सारे इंटरसेप्ट यहाँ भी आते हैं या नहीं आते, ठीक है ठीक है। जी। ओके, तो यहाँ से हम ये, अब यहाँ पर है 3 10, वाई की वैल्यू 10 तक जा रही है और वाई टू की वैल्यू 5 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे से रख के थोड़ा सा ड्रॉ करवाऊँगा आपको, ताकि माइनस 3 10, ठीक है। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, ठीक है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पूरी हो जाएगी। अब मैं वर्टिकल लाइन ले रहा हूँ, वर्टिकल लाइन मुझे थोड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी, वाई टू माइनस 5 तक गया और वाई वन 10 तक। ओके, जी अब देखिए मैं काफ़ी आगे तक लेके मैंने ले लिया और अब मैं इसे नीचे भी ऑफ कर, तीन चार पॉइंट नीचे रखे हुए थे। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिन, जी ओरिजिन कितना है, होता है आपको पता है कि ओरिजिन होता है उसको हम क्या लिखते हैं, ओरिजिन को हम हमेशा डेल्टा वाई जीरो जीरो, और अच्छा इसकी दिस इज ऑल। जीरो जीरो अब पॉइंट पहला क्या है, जी। अगर आप यहाँ तो देखें एक पॉइंट है माइनस 3 10, यहाँ से गिनते हैं कि 1 2 3, एक्स एक्सिस पे माइनस 3, वाई एक्सिस पे कितना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों को ज्वाइन करें तो आपका ये पॉइंट बनेगा, दिस इज माइनस 3 10, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस 3 10, माइनस माइनस 3 और 10। ये आपका पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट कितना है, 2 माइनस 5, अब यहाँ से आ गया जी 1 और ये 2, माइनस 5 पे जी 1 2 3 4 और ये 5, माइनस 5, ठीक है जी। ये भी 2 माइनस 5। ओके, यू हैव गॉट दीज 2 पॉइंट्स। अब इनका हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब हम इनका ग्राफ ले लेते हैं और फिर उस ग्राफ को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था और ये दूसरा, ठीक है। इसको गौर से देखेंगे, माइनस 2 5 में ड्रॉ। अब जब आप इसे ड्रॉ करके फारिग होते हैं ठीक है, ग्राफ,
अब आप क्या करते हैं, जरा इस लाइन की इक्वेशन निकालें, इसके इंटरसेप्ट निकालें, और फिर हम टैली करेंगे क्या वाकई इंटरसेप्ट यहाँ आते हैं। ठीक है, तो देखें जरा क्या होगा। आप कहेंगे स्लो, तो क्या होता है y2 minus y1 over x2 minus y1, y2 is y1 होता है, x2 minus x1 minus 15 over 5 minus 3 दो बार। फिर आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y minus y1 is equal to m into x minus x1, y1 कितना है 10, m minus 3, m minus 3, x and b, sir m minus 3 कैसे, ये m था ना, जी y minus 10 is equal to minus 3x minus 9, या फिर इधर ले आए तो y plus 3x is equal to minus 9 plus 10, तो y plus 3x is equal to 1। अब आपने क्या लेने इंटरसेप्ट्स, क्या लेने इंटरसेप्ट, अगर आप x इंटरसेप्ट लेंगे तो y is equal to 0, 3x is equal to क्या आ जाएगा, x is equal to आ जाएगा 1 over 3, ठीक है 1 over 3। और अगर आपने x इंटरसेप्ट लेना है y इंटरसेप्ट, तो x is equal to 0, अब आप y इंटरसेप्ट लेंगे x equal to 0 put करें, तो y is equal to क्या आ जाएगा 1, तो अब आप देखें no, it's ये जरा चेक करें, ये वाला पॉइंट आपका 0 1 है, यहां पे x 0 y, तो क्या हो? ये y इंटरसेप्ट ठीक है आप, ठीक है ना, y इंटरसेप्ट निकला भी यही है और बाकी लाइन भी y इंटरसेप्ट इसी पॉइंट पे साथ रही है। दूसरा पॉइंट कितना है जी, दूसरा x इंटरसेप्ट कहते हैं कि x वहां काटेगा जहां x की वैल्यू 1/3 होगी, ये जरूरत है ये वाला पॉइंट, x को काट रहे हैं यहां से लेकर यहां तक था 1, ये 1 का तकरीबन तीसरा हिस्सा है 1/3, तो ये अगर आप ग्राफ्स को समझना शुरू कर देंगे ना, तो आपको इंटरसेप्ट वगैरह निकालने बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप निकालने, इंटरसेप्ट निकालने, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको चंद क्वेश्चंस कराए हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से देखना है और फिर से इनको प्रैक्टिस में लाना है और देखना है कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहे? नहीं सर। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकती हैं अपने एग्ज़ाम से मुतल्लिक, तो मैं थोड़ा सा ये बता ही रहा था कि आप जब अपने एग्ज़ाम्स को स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका जो पेपर टाइमिंग स्टार्ट टाइमिंग होगा उससे 10 मिनट पहले टीचर ने आपको पेपर शेयर करना है। ठीक है, पेपर को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप पेपर को सॉल्व करेंगे, तो जब आप पेपर को सॉल्व कर लेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद अब इंस्ट्रक्शन आपको आ जाएगी। लास्ट टाइम जो थी इंस्ट्रक्शंस वो ये थी कि पेपर पैक का टाइम जो है ना, पेपर फर्स्ट में 2 घंटे का, तो उसमें आपको दिया जाते थे 4 घंटे, आम पेपर अगर 1.5 घंटे का हो तो उसमें 3 घंटे मिलते हैं, आम पेपर अगर 2 घंटे का हो तो ऑनलाइन में 4 घंटे मिलते हैं, लेकिन उसमें होता यह है कि आपने विद इन 4 आवर्स, 9 बजे पेपर शुरू होता है, 1 बजे तक आपने लास्ट भेजना होता है, तो पेपर जैसे ही आप पेपर आएगा आपके पास, फिर आप पेपर को अपनी हार्ड कॉपी पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग तो ये करते हैं कि एक खास किस्म की शीट प्रिंट कराई भी, वो बच्चों को शीट भेज देते हैं, वो शीट अपने प्रिंटर से वो प्रिंट करवा के, तो फिर उस शीट से वो हेल्प लेते हैं। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास अगर मौजूद है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका पैटर्न क्या है। ठीक है सर, वो कहाँ से मिलेंगे? ये आपके डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर, तो वो क्या करना चाह रहे हैं। अब आपके पास वो तो प्लेन शीट्स ही कहते हैं, अगर वो प्लेन कहते हैं असाइनमेंट, मैं बताऊं कि मैं जो शीट्स डिपेंड करता हूँ वो क्या है। ठीक है,
सर और पैटर्न उस वीडियो में है कि पेपर स्टार्ट कैसे करना है और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मैं वो आपको लेके भेज देता हूँ अभी, मैं इस वक्त यहाँ मुझे ढूंढनी पड़ेगी, उधर से मैं आपको ना लिंक भेज देता हूँ इंटरनेट से, यूट्यूब से लिंक भेज देता हूँ, तो आप उसको ले लें। पेपर स्टार्ट करना, क्लोज करना, पैकिंग करना, फुल इंफॉर्मेशन है उसमें, ठीक है ना? ठीक है सर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी। और सर मैंने सुना था कि कैम ऑन रखते हैं, जी सर मैंने सुना था कि कैम वो ऑन रखवा के पेपर करवाते हैं। कैमरा अगर वो कहेंगे तो आप ऑन कर लेंगे, वैसे होता नहीं है कैमरा तो खैर नहीं ऑन कराएंगे, अगर कराएंगे तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है जी, मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। टाइम काफ़ी हो गया तो कल से मैं कोशिश करूँगा उसी टाइम पे क्लास लूँ, आज ज़रा मैं डॉक्टर की तरफ गया हुआ था, देर हो गई ज़रा, जी सर तो ठीक है जी, इंशाल्लाह। ओके जी ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।